वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ फिर से सीबीएसई से रिलेटेड एक नई अपडेट। बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था मेरे लास्ट वीडियो पे, जिसमें मैंने बात की थी रीवैल्यूएशन की, यानी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर आप 10th और 12th का बोर्ड आपने दिया और आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है जिसमें कि आपने रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म फिल किया है, जिसमें आपने अपने मार्क्स के कुछ भी अपडेट से रिलेटेड आपने डिटेल डाली है और आप वेट कर रहे हैं कि कब सीबीएसई आपका रिजल्ट अपडेट करेगी। लेटेस्ट में उसमें आ रहा है अंडर प्रोसेस टू बी पुल्ड और या फिर नो मिस्टेक फाउंड। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर किस तरीके के दोनों एरर्स आ रहे हैं, यानी कि इस तरीके के दो स्टेटस अपडेट आपको दिख रहे हैं जिसमें कि अंडर प्रोसेस टू बी पुल्ड दिख रहा है और या फिर मिस्टेक फाउंड दिखा रहे हैं, नो मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है, तो उस केस में आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप अपने रिजल्ट देख पाएंगे कि कोई अपडेशन हुई है या नहीं हुई है। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और खास करके उन दोस्तों के साथ जो जिन्होंने अभी 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन दिए या नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम आती रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने 10th और 12th के किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर रीवेरिफिकेशन का फॉर्म फिल किया है, जो कि रीवेरिफिकेशन का फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है, रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट भी जा चुकी है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपके सीबीएसई की वेबसाइट पे अगर आपको स्टेटस किसी भी तरीके से दिख रहा है, कि पहला तो हम स्टेटस की बात करते हैं जो दिख रहा है आपको अंडर प्रोसेस टू बी पुल्ड, तो इस स्टेटस का क्या मतलब है, रिजल्ट का इवैल्यूएशन अभी मींस री इवैल्यूएशन अभी तक नहीं हुआ, यानी कि आपने जो भी क्वेरी डाली होगी, कोई भी रीजन डाला होगा अपने सब्जेक्ट को लेकर के कि इस तरीके की मिस्टेक मुझे लग रही है, या मेरे हाफ मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, या मेरे 2 मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, या हो सकता है मेरी काउंटिंग में मिस्टेक है, मुझे कोई प्रॉब्लम, तो जिस तरीके की भी आपने क्वेरी डाली वो क्वेरी अभी किसी भी एग्जामिनर को प्रोवाइड नहीं की गई है आपकी शीट, यानी कि आपकी शीट अभी रीवैल्यूएशन होना बाकी है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अभी वेट करो स्टूडेंट्स उस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर अभी अंडर प्रोसेस है टू बी पुल्ड है, इट मीन्स इट इज़ नॉट बीन पुल्ड एज ऑफ नाउ कि जिससे वो चेकिंग हो पाए, ठीक है। तो इस केस में आपको अभी वेट ही करना पड़ेगा। सो एंड द सेकेंड रीजन जिसमें दिखा रहा है आपका है कि मिस्टेक फाउंड, लेकिन आप फिर भी समझ नहीं पा रहे मिस्टेक फाउंड आ रहा है, तो मैम क्या करें, हम मिस्टेक फाउंड लिखा रहे हैं, क्या मिस्टेक है, मार्क्स अपडेट होंगे कि नहीं होंगे। तो मिस्टेक फाउंड लिखा हुआ आ रहा है तो इट्स अ ग्रीन सिग्नल कि आपके मिस्टेक तो मिली है। अब इसको हम ग्रीन सिग्नल ही समझ के चलो कि कुछ तो मिस्टेक मिली है, काउंटिंग में होगी या किसी भी चीज़ में मिस्टेक होगी, तो वो उसका स्टेटस अपडेट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, इतनी ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए, बिकॉज जब भी आप कोई काम के लिए अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप कोई भी क्वेरी डालते हो तो उसका ऑब्वियसली आंसर मिलने में आपको टाइम लगता है। तो इट मीन्स कि जब आपका मिस्टेक फाउंड हो गया, यानी कि आपकी कॉपी रीचेक हो चुकी है, मिस्टेक फाउंड हुआ है, एग्जामिनर ने बता भी दिया है, लेकिन एक अलग से टीम होती है जो इसके आंसर्स को अपलोड करेगी और आपको पर्टिकुलर मेल सेंड करके बताएगी, एक लेटर आएगा ईमेल पे और उस पर आपको बताया जाएगा कि क्या मिस्टेक थी, कितने मार्क्स का डिफरेंस है। तो आप अपने मेल को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, मेल आईडी आपने जरूर फिल की होगी फॉर्म फिल करते वक्त, तो मेल आईडी को चेक करते रहो, मिस्टेक फाउंड है तो मेल आपको जरूर आएगी और सीबीएसई की तरफ से लेटर आएगा मेल पे और पता चल जाएगा आपको कितने मार्क्स का डिफरेंस आया है और क्या मिस्टेक थी और जो भी नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस में नो मिस्टेक फाउंड। नो मिस्टेक फाउंड मीन्स ऑब्वियसली इट्स यू कैन से कि कहानी खत्म है, ग्रीन सिग्नल, यानी कि आपने ग्रीन सिग्नल इन द सेंस कि अब उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो तो अपनी आंसर शीट दोबारा देख सकते हो क्योंकि उनको कोई मिस्टेक नहीं मिली है आपकी कॉपी में। आपने अगर काउंटिंग का एरर डाला था या फिर आपने कोई क्वेश्चन का एरर डाला हो या कुछ भी आपने लिखा हो तो उसको उन्होंने जज किया, चेक किया, रीवैल्यूएट किया, बट उनको कोई मिस्टेक मिली नहीं, तो इस तरीके से उन्होंने अपडेट कर दिया आप नो मिस्टेक फाउंड। इट मीन्स आपको आपके मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन फर्दर अगर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना चाहते हो तो फिर आपने आंसर शीट मंगवा सकते हो रीचेकिंग के लिए, फिर से खुद से काउंटिंग करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो वो नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तीनों स्टेटस का यही मतलब है। अगर इन तीनों में से कोई भी स्टेटस आ रहा है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जिस तरीके से मैंने स्टेप बताए उसी स्टेप को फॉलो करो, थोड़ा सा वेट करो, ईमेल ज़रूर आएगा और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, लिखते रहो और सफल रहो, देखते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।